एवरीवन, आई एम प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड बटन क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, चाहे तो जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो अपडेट होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख पाओगे। तो गाइज हेलो, आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा होम रेमेडी ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ एक्ने एंड पिंपल्स के लिए, जो अभी देखो मेरे खुद बहुत ज़्यादा हैं एक्ने एंड पिंपल्स, और इससे पहले और भी ज़्यादा थे, तो धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले ये पिंपल्स होते क्या, पिंपल्स हमारी स्किन का ही एक पार्ट कह सकते, स्किन में ही होता है। जब भी हमारे ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है बैक्टीरिया से तो ये पिंपल्स ऑकर करता है। तो यही है कि आप हमेशा अपने स्किन का डेली रूटीन बेसिस पे जरूर केयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले हमें चाहिए पतंजलि का हनी। मैं पतंजलि का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी अपनी चॉइस का यूज कर रहे हो, इवन डाबर और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, और चाहिए सिनेमम। ये मैंने पतंजलि के ही बॉक्स में स्टोर करके रखा हुआ है। तो इस फिर हमें चाहिए एक बाउल, आप कांच की ले सकते हो, प्लास्टिक ले, कोशिश करें स्टील की ना लें, वो थोड़ा मेटल रिएक्ट करता है स्किन के साथ। तो सबसे पहले हमें दालचीनी लेनी है, मैं यहाँ 1/4 ले रही हूँ, और आपके अपने फेस के अकॉर्डिंग, मेरा फेस थोड़ा सा छोटा है तो मैं उतना एरिया कवर हो नहीं पाता है, मैं ज़्यादा ले लूँ तो मुझे दिक्कत है, तो आप आधा चम्मच ले सकते हो। और फिर हनी, हनी अगर 1/4 है तो 1 चम्मच हनी, देखो ये, और फिर इसको मिक्स करना है। प्रॉपरली जब इसको 1 से 2 मिनट तक प्रॉपरली मिक्स करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक मडी मडी। तो इसको फुल टू मिक्स करने के बाद आप इसे हाथों से ही अप्लाई करना, बिना कोई भी ब्रश यूज किए, मैं इसे चम्मच से ही अप्लाई कर रही हूँ। स्पून से इसलिए कर रही हूँ कि जो डार्क पैचेस होते हैं और ये थोड़ी सी यहाँ उठी उठी स्किन होती है डार्क बैग्स, तो वो थोड़े से इससे एक तरह का ये मसाज है जापानीज। इसको मोस्टली जहाँ एक्ने है आपके वहीं लगा, लेकिन मैं ऐसे पूरे फेस पे यूज़ करी क्योंकि हनी और स्किन, हनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इवन ये अच्छा टोनर भी है, तो फिर वेस्ट करने से अच्छा अप्लाई करो पूरे स्किन पे, कहीं से और से चांसेस हो एक्ने के तो फिर वो ना हो सके। उसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट रखना है। ट्रीटमेंट एक्ने एंड पिंपल्स का विद हनी एंड दालचीनी, आप इसको जरूर अप्लाई करो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ कि आपको फायदा किया या नहीं किया, और भी किसी चीज़ की अगर आपको रेमेडी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मुझे सोशल साइट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मुझे बता सकते हो कि आपको किस चीज़ का वीडियो नेक्स्ट चाहिए, तो मैं ज़रूर वो आपके लिए जरूर बनाऊंगी। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो।